गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, आई एम अनिता कुमारी, योर कंप्यूटर टीचर फ्रॉम सी एम जे इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। टुडे आई एम गोइंग टू टीच रिमेनिंग पार्ट ऑफ चैप्टर 3 फ्रॉम क्लास 4, मेमोरी यूनिट्स। डाटा इन द कंप्यूटर्स मेमोरी इज रिप्रेजेंटेड बाय द टू डिजिट्स 0 और 1। कंप्यूटर की मेमोरी में डाटा दो संख्या 0 और 1 को प्रदर्शित करता है। दीज टू डिजिट्स आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट्स और बिट्स। इन दो नंबरों को बाइनरी डिजिट या बिट कहते हैं। ए बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर्स मेमोरी। एक बिट कंप्यूटर के मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट है। टू रिप्रेजेंट इच कैरेक्टर इन मेमोरी ए सेट ऑफ 8 बाइनरी डिजिट्स इज यूज्ड, जो मेमोरी में प्रत्येक कैरेक्टर को प्रदर्शित करता है और इसमें 8 बिट के समूह का उपयोग किया जाता है। दिस सेट ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड ए बाइट। इन 8 बिट के समूह को बाइट कहते हैं। सो 1 बाइट इज यूज टू रिप्रेजेंट 1 कैरेक्टर ऑफ डाटा। कंप्यूटर मेमोरी में किसी कैरेक्टर या अक्षर को दर्शाने के लिए कम से कम 8 बिट अर्थात 1 बाइट की जरूरत पड़ती है। चूँकि 1 बाइट का उपयोग डाटा के 1 कैरेक्टर को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। बिट्स इजकल टू 0 1। 1 बाइट इजकल टू 8 बिट्स। टू रिप्रेजेंट ए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इन मेमोरी हायर डाटा स्टोरेज यूनिट्स आर यूज्ड लाइक। मेमोरी एक लार्ज नंबर डाटा को प्रदर्शित करता है। उच्च डाटा स्टोरेज का उपयोग जैसे KB किलोबाइट, MB मेगाबाइट, GB जीगाबाइट, TB टेराबाइट etc। बट ऑल दीज यूनिट्स आर फॉर्म्ड विद द सेट ऑफ बाइट्स लाइक। लेकिन ये सभी यूनिट बाइट्स के समूह के रूप में होता है। जैसे 1 KB किलोबाइट इजकल टू 2 के पावर 10 बाइट्स इजकल टू 1024 बाइट्स। 1 MB इजकल टू 2 के पावर 10 KB इजकल टू 1024 KB इजकल टू 1024 मल्टीप्लाई 1024 बाइट्स इजकल टू 1,48,576 बाइट्स। 1 GB जीगाबाइट इजकल टू 2 के पावर 10 MB इजकल टू 1024 MB। 1 TB टेराबाइट इजकल टू 2 के पावर 10 GB इजकल टू 1024 GB। ये सब क्या हुआ, ये मेमोरी यूनिट्स है। स्टूडेंट्स, आप लोग ये मेमोरी यूनिट्स याद कर लीजिएगा और साथ ही लेटेस्ट समरीज याद कर लीजिएगा। चैप्टर 3 इज़ फिनिश्ड। थैंक।